इंडियाज फाइव डेंजरस वेपन्स, भारत के वो पांच हथियार जिनका हमला किसी प्रलय से कम नहीं। नंबर वन पे है इंडियन एयरफोर्स का तेजस मार्क वन, भारत में निर्मित तेजस मल्टीरोल हल्का फाइटर जेट है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह 43.4 फीट लंबा है, विंग स्पैन 26.11 फीट है, ऊंचाई 14.5 फीट है। पूरे साजो सामान के साथ इसका वजन 13,500 केजी होता है, खाली 6500 किलोग्राम। इसमें 2,458 केजी फ्यूल पड़ता है, अधिकतम 1980 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। यह एक बार में 1850 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है, यह अधिकतम 53,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर का ट्विन बैरल कैनन लगी है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यह 8 रॉकेट अलग अलग तरह मिसाइल या बम लगा सकते हैं, या फिर आप इनका मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इसमें हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइलें लग सकती हैं। इसमें प्रेसिशन गाइडेड, लेजर गाइडेड, क्लस्टर म्यूनिशन, अनगाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। नंबर टू पे है प्रलय मिसाइल। डीआरडीओ ने पिछले साल दिसंबर में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के अड्डों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सटीक मारक क्षमता और इसकी गति इसे अत्यधिक ताकतवर बनाती है। यह मिसाइल 5 टन वजनी है। इसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं। यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है। आपको बता दें कि यह भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक से मिलकर बन सकती है। यह प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल। अगर पृथ्वी 3 मिसाइल के प्लेटफॉर्म को इसका आधार मानते हैं तो प्रलय मिसाइल के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोसिव पेनेट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और रणनीतिक परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक डीआरडीओ या रक्षा मंत्रालय ने नहीं की है। प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। इसका मतलब यह है कि अगर टारगेट को 33 फीट के दायरे में यह मिसाइल गिरती है तो भी यह उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती। इस मिसाइल में इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा हो सकता है जो टारगेट को अंधेरे में खोजकर उसे नष्ट कर सकता है। नंबर तीन पे है M9 रीपर प्रीडेटर ड्रोन। M9 रीपर या प्रीडेटर ड्रोन चमगादड़ की तरह रात में देख सकता है, उल्लू की तरह शांति से उड़ सकता है, बाज की तरह हमला करके गायब हो सकता है। यह एक शिकारी है। यह दुनिया का सबसे खुफिया और ताकतवर जासूस। इसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन, इसे M9 रीपर ड्रोन भी कहते हैं। भारत जिस ड्रोन को अमेरिका से खरीदने की तैयारी में है उसे MQ-9B लॉन्ग रेंज एंड्यूरेंस ड्रोन कहते हैं। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। यह एक बार में 35 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। नंबर फोर पे है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 2007 से हुई है, यानी रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 के 4 वेरियंट्स हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर है। S-400 के चारों वेरिएंट्स की अलग अलग गति है। 40 किलोमीटर रेंज वाले की गति 3,185 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 किलोमीटर रेंज वाले की स्पीड लगभग 3,675 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 और 250 किलोमीटर रेंज वाले की गति 7,285 किलोमीटर प्रति घंटा और 4000 किलोमीटर रेंज वाले की गति 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा है। S-400 एयर डिफेंस की मिसाइलें 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन की मिसाइल को वहीं खत्म कर सकती हैं। S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 24 केजी और 180 केजी के हथियारों को लेकर उड़ सकता है। S-400 एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। इस सिस्टम से स्ट्रेटेजिक बम वर्षकों जैसे B-1, FV-111 और B-52 पर हमला कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमान जैसे EF-111A और EA-6, निगरानी विमान, अर्ली वार्निंग रडार, एयरप्लेन, फाइटर प्लेन, बैलिस्टिक मिसाइल आदि को निशाना बना सकता है। नंबर फाइव पे है राफेल फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स का मल्टीरोल फाइटर जेट
जैसे राफेल को उड़ाने के लिए एक या दो क्रू की ज़रूरत होती है। लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट, ऊंचाई 17.6 फीट और खाली वजन 10,300 किलोग्राम है। इसमें 4,400 से 4,700 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह अधिकतम 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1,850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति 304.8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट्स होते हैं वायुसेना के वर्जन के लिए और 13 नौसैनिक वर्जन के लिए, यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा। इसमें हवा से हवा, हवा से ज़मीन और हवा से सीप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम लगा सकते हैं। दोस्तों, भारत के इन 5 खतरनाक हथियार के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।